फ्यूचर में आप इनको शोबिज में आने की इजाजत दें? मैं इनको साथ लेके आऊंगा, मैं पहले भी साथ लेकर आया अपनी पहली बीवी को, उनको इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं इनको रमजान में साथ लेकर आऊंगा। डॉक्टर साहब दो लाइनें भाभी के नाम। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत ने हाल ही में दानिया शाह से शादी कर ली है जो कि 18 साल की हैं। आमिर लियाकत ने सबके सामने कह दिया कि सैयदा तूबा को इजाज़त है कि वह जब मर्जी वापस आ जाएं, आज भी उनके दिल में उनके लिए उतनी ही जगह है जितनी की पहले थी। तूबा अभी भी मेरी बीवी है, खुला उनको उन्होंने अपने तौर पर की हुई है, मैं तो आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तो आज भी उनकी इज्जत करता हूँ और मैंने कभी भी उनको अब बुरे अल्फाज में याद नहीं किया, घर के दरवाजे खुले उनके लिए जब भी चाहे। आमिर लियाकत इससे पहले अपने पहले इंटरव्यू में बुशरा बीबी की तारीफें करते हुए दिखाई दिए थे और अब दूसरे इंटरव्यू में ये सैयदा तूबा को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुशरा वो पाकपतन से बहुत ज्यादा अकीदत रखती है और ये बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, मेरा बड़ा घर मेरी भी ताल्लुक है, ये सब बकवास है कि वो घर छोड़ के चली है और जो ये गंदी गंदी बातें जो लोग करते हैं ये बहुत बुरी बात है। वो एक बहुत ही मजहबी खातून है, बेइंतहा शरीफ खातून। तमाम तर फैंस का यही कहना है कि अब आमिर लियाकत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अवाम की नज़र में इनका इमेज बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। आमिर लियाकत सैयदा तूबा को याद करते हुए इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि वो मुझसे खुला लेने की कोशिश कर रही हैं लेकिन मैंने इन्हें तलाक नहीं दी है। वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो जिंदा हो जाएगा क्योंकि मैंने खुला ही नहीं दी ना, मैंने तलाक ही नहीं दी, तो अपने तौर पे तो खुला हो नहीं सकती। शरई तौर पर शरई पता नहीं कोर्ट वोट पे गई होगी, मैं तो गई नहीं। अच्छा कोर्ट गए ही नहीं? मैं गई नहीं, मुझे पता ही नहीं। ये खुला ही कहलाएगी लेकिन शरई खुला नहीं होगी, ये पाकिस्तान के आईनी कानून के तहत होगी, इस्लामी तौर पर वो खुला नहीं होगी। अगर वो कहीं शादी करेंगी तो वो नाजायज हो जाएगी, जिना हो जाएगा। डॉक्टर साहब तूबा को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारें, कहीं जॉब करें, कहीं काम करें, जो भी करना चाहती है, नहीं रहना चाहती नहीं रहे, लेकिन इस्लाम के दायरे से बाहर ना निकले। शरीयत में खुला जब तक के हस्बैंड की तरफ से भी इसमें आमादगी ना हो खुला नहीं होती, एक तरफा खुला नहीं होती, दोनों फरीक उसमें बैठते हैं और खुला होती। दानिया मेरी जिंदगी में, तूबा का जब जी चाहता है वो आदत से आ जाए, लेकिन दानिया अब कहीं जाए। दानिया शाह ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि कराची के लोग बहुत ही ज्यादा साइको होते हैं। दानिया शाह का ये भी कहना था कि अगर सैयदा तूबा आमिर लियाकत की जिंदगी में वापस आ जाती हैं तो मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं इन्हें हमेशा ही अपनी बड़ी बहनों की तरह समझूंगी। कराची के लोग थोड़े होते हैं साइको। दानिया आपने डॉक्टर साहब को एक और शादी करने की इजाजत दी, जो अपने शौहर से प्यार करता है वो तो नहीं चाहता कि उसका शौहर किसी और से शादी करे? क्यों नहीं चाहता, जहाँ मेरा हस्बैंड खुश होगा वहाँ मैं खुश होंगी, मेरी खुशी में उनकी खुशी, उनकी खुशी में मेरी खुशी। दानिया तो अगर कल को तूबा वापस आ गई तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो उनको बहन समझूंगी। दानिया शाह ने ये तक कह डाला कि आमिर लियाकत अगर किसी और से भी शादी करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से खुली इजाजत है। और आमिर लियाकत का कहना था कि सैयदा तूबा के लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, उनका जब दिल चाहे वो मेरे पास वापस आ सकती हैं। तो दोस्तों इस सब मामले पे आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।